भैया तो आपसे अंतिम बातें जो है राजू श्रीवास्तव की क्या हुई थी? यही फिल्म को लेके हुई थी, एक फिल्म बनाएंगे सारे कॉमेडियंस को लेकर। इस वक्त जो है हमारे साथ एहसान कुरैशी जी मौजूद है यूपी तक पर, और हम उनसे बात करेंगे। एहसान जी, जिस तरह से आज का दिन और कल का दिन देश में, मतलब किस तरह से याद किया जाएगा इसे? इसको भाई, ये कॉमेडी की दुनिया का एक ऐसा सितारा था जिसने पूरी दुनिया को स्टैंड अप कॉमेडी बताई। ये माइक है अकेला और अकेले खड़े, अब 3 घंटे तक लोट पोट कर देंगे, ना तो वो नकली मूछ लगाएंगे, ना साड़ी पहनेंगे, ना बिग लगा के लड़की बनेंगे, जो करना है अकेले ही। एंकर ने नाम पुकारा, आपके बीच में आ रहे हैं कॉमेडी किंग राजू श्री। अभी लोगों ने देखा भी नहीं, वो खड़े होके सीटियां बजने लगी, तालियां बजने लगी, ये थे राजू श्रीवास्तव। इतना जादू था, इतना प्रभाव था। लेकिन एक बताओ, कानपुर की सरजमीन से निकले, जीरो से निकले, बम्बई में हीरो बन गए, जूनियर अमिताभ बन के गए, ओरिजिनल अमिताभ जी का दिल जीते। तो ऐसी शख्सियत को हम आखिरी सलाम पेश करने आए हैं, बहुत दुखी मन से, बहुत दुखी मन से। अभी तक दिमाग यकीन नहीं कर रहा है कि राजू भाई हमारे बीच नहीं रहे, मगर राजू भाई हमारे बीच रहेंगे अपने ऑडियो के जरिए, वीडियो के जरिए और अपनी फिल्मों के जरिए। उनके हंसाने का अंदाज हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा। अच्छा, देश भर में जो है गजोदर भैया काफी फेमस थे, तो अब गजोदर भैया को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कुछ ऐसा पर्सनल उनकी कोई स्टोरी हो आपसे जुड़ी हो जो आप बताना चाहेंगे यूपी तक के दर्शकों? नहीं, गजोदर भैया थे, बताते थे वो हमको कि एक थे हमारे यहाँ, बाल काटते थे उनको गजोदर भैया, वो बहुत कॉमेडियन आदमी, जो बात करा वो फंसा, बस फंसा तो हंसा, और जो हंसा उसका घर बसा। और फिर बाद में पूछो कभी जिंदगी में हंसा, तो ये राजू भाई का अंदाज था, वो गजोदर वाला। गजोदर भैया तो हर बात में स्टाइलिश थे, कोई पता पूछ ले उसके घर का पूरा बायोडाटा खोल दे। भैया शर्मा जी के घर जाना है, कौन शर्मा भाई? जिनकी लड़की भाग गई थी धीरे धीरे। अरे अरे यार वो छोड़ो ना, वो किससे मत से। अच्छा पेट्रोल पंप वाले शर्मा, 6 महीने की सजा हुई थी। अरे यार तुम पता बताओ, तो गजोदर भैया पूरी प्रोफाइल बता। बोले ऐसा है, राइट मारो तो वहां से लेफ्ट है, एक नीम का झाड़ पड़ेगा उस। अरे छोड़ो, हम ही छोड़ के आ जाते। चलिए, थे गजोदर भैया, इन्होंने दिल जीता। तो इस दिल में, इस मुल्क के सब्जी वाला सोचता है यार ये तो हमारी एक्टिंग है, ऑटो वाला कहता है नहीं हमारी एक्टिंग है। तो हर कोई राजू भाई में अपने आप को देखता था, इसलिए हर किसी के दिल में वो राज करते थे। मैं बड़े प्यार से उनको अंतिम सलाम पेश करता हूँ भैया। मालिक उनको बहुत ऊंचा स्थान दे, दुनिया में तो दिया, और बच्चों को बड़ी शक्ति, भाभी जी को शक्ति दे, ताकि वो बच्चों की शादियां कर सके। ये काम रह गया था राजू भाई का, जो अब भाभी जी को करना है। और हम सारे कॉमेडियंस उनके परिवार के हैं, उन कांधे से कांधा मिलाकर ये सारा काम हम लोग करेंगे। राजू जी कभी, मतलब कॉमेडी के साथ साथ जो है राजनीति में भी आए, उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो है ट्राई किया, पहले समाजवादी पार्टी, उसके बाद बीजेपी के टिकट उन्हें मिले, लेकिन फाइनली योगी जी ने जो है एक बड़ा एक उन्हें पद दिया, एक फिल्म जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो क्या लगता है कि अब वो, मतलब एक जो स्टार्टअप किया था योगी आदित्यनाथ ने, ट्राई किया था, क्या वो एक बार फिर से वो सफल हुआ उनका प्रयोग? राजू भाई ने बड़ी ईमानदारी से फिल्म विकास निगम पर काम किया, नोएडा आदि। कभी चर्चा करते थे? बहुत बहुत, हमारी सारी यही बातें होती थी। उनको लगाव था यूपी से, उत्तर भारत में ही वो फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते थे। और उनके रहते में ही कितनी फिल्में, 50-60 फिल्में पिछले साल यहाँ पर शूट हुई है जी। लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, जौनपुर, जहाँ जहाँ ऐतिहासिक नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, झाड़ हैं, जहाँ किले हैं, वहाँ शूट करे लोगों ने। और बहुत हैप्पी है मुंबई के लोग कि बहुत सुरक्षा मिलती, बहुत प्यार मिलता है। इसका श्रेय राजू श्रीवास्तव जी को जाता है। इन लोगों की प्लानिंग थी कि एक बड़ी इंडस्ट्री उत्तर भारत में लाएंगे, नोएडा में कोशिश जारी है। तो इसके लिए तो उनको भैया, तो आपसे अंतिम बातें जो है राजू श्रीवास्तव की क्या हुई थी? यही फिल्म को लेके हुई थी, एक फिल्म बनाएंगे सारे कॉमेडियंस को लेकर। हाँ, और वो फिल्म जो है नेक्स्ट मीटिंग में हम बैठ के कहानी लिखेंगे, कहानी पे बैठेंगे। कब की बात होगी ये? बस कुछ ही महीने पहले बॉम्बे में हुआ था हुनर हाट का मेला, एक मेला लगता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हुनर हाट का 40वां मेला था। 40 कलाकारों को वहाँ अवार्ड मिला
उसमें मैं भी शामिल था 40 में, राजू जी को भी अवार्ड मिला। तो उस टाइम हमारी ये बात हुई थी, मुख्तार अब्बास नकवी आए थे, उन्होंने अवार्ड दे के गए थे, तो वो आखिरी मुलाकात थी वहाँ मेरी जी। तो आज आप कुछ अंतिम पंक्ति उनके लिए? अंतिम पंक्तियाँ यही है कि हंसी की सारी महफिल आपके नाम करता हूँ, हंसी की सारी महफिल आपके नाम करता हूँ, और राजू भाई दिल से आपको आखिरी सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ थे एहसान कुरैशी जो कि कॉमेडियन, और साथ साथ जो है राजू श्रीवास्तव के साथ उन्होंने एक बहुत ही लंबा वक्त जो है गुजारा है, और साथ साथ उनका कहना है कि जिस तरह से राजू श्रीवास्तव को जो है एक अहम पद दिया गया था योगी आदित्यनाथ द्वारा, वो कहीं ना कहीं सफल था। राजू श्रीवास्तव ने काफी कुछ काम उस सेक्टर में किया था, लेकिन अभी फिलहाल सबके सब माहौल पूरा जो है गमगीन है, और अभी भी सारे कॉमेडी जगत में इस बात की चर्चा हो रही है कि राजू श्रीवास्तव को इतनी जल्दी जो है नहीं जाना चाहिए था। अब तो उनको जिम्मेदारी और पद जो है ज्यादा दे दिया गया था, अब घर बैठकर ज्यादा काम करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस पल को अब सब जो है गमगीन है और सब जो है उन्हें याद कर रहे हैं।